अब देख लेते हैं स्कूटी के ये आगे से फिट हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब एक बार और जूम आउट कर दीजिए सर। गाइस इतनी दूरी में अब आपको थोड़ी टेस्टिंग और करा देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बोट पार्टीपल 220 पार्टी स्पीकर का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। जैसा कि दोस्तों इससे पहले पार्ट में हमने बोला था आपसे कि यार जल्दी हम इसका डिटेल ऑडियो टेस्ट लेकर आएंगे एंड आपको बताएंगे कि यार इस मॉडल को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से। बस आपने कहा कि आज की वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। दोस्तों इस मॉडल को हमने अमेजोन से 9000 का परचेस करा था। अगर आपको परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, बट परचेस तभी करेगा पहले वीडियो को पूरा डिटेल पे देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यार इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, आउटडोर में भी शूट करते हैं, ये स्पीकर को हम बहुत दूर लेकर आए हैं अपने स्टूडियो से। सो इस तरीके के हार्डवर्क डेडिकेशन के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट कैसे मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आउटडोर में बजाने से पहले हम इसकी पोर्टेबिलिटी भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देख लीजिए साइज इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है। सो हमने अपनी स्कूटी रख रखी है, अब देख लेते हैं स्कूटी के ये आगे से फिट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो सर आप पास ला दीजिए कैमरे को एंड इसे हम रख के दिखा देते हैं। हाँ गाइस, मतलब पोर्टेबिलिटी तो काफ़ी बढ़िया है। देखिए हमारे स्कूटी में ये इजीली फिट हो गया है। अब जैसे कि हम अगर स्कूटी को राइड करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया करके हमने यहाँ पर रख लिया है, ये म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। एक दोस्त आप अपना बैठा सकते हैं पीछे से एंड म्यूज़िक का मज़ा उठाइए ऐसी वादियों में। तो अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी बेटर ऑप्शन है, पोर्टेबिलिटी बढ़िया दे रखी है। दोस्तों पोर्टेबिलिटी भी मैंने आपको स्पीकर की चेक करवा दी है। अगर मैं वेट की बात करूं तो 4.5 kg का ये स्पीकर है। अब मैं आपको इस स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। वैसे अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना होगा तो फर्स्ट पार्ट को ही देखिएगा, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए फिर प्ले करते हैं इसको। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पावर आउटपुट की। दोस्तों इस सिस्टम का टोटल पावर आउटपुट 80 वॉट्स का है। 2.25 इंच का दोस्तों हमें ट्विटर मिल जाता है, 8 इंच का वूफर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। इस पर हमें ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड पीछे से देखिए हमें सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के। देखिए हमें SD कार्ड स्लॉट, USB पोर्ट एंड AUX पोर्ट, ये कनेक्टिविटी मिलती है। साथ में दोस्तों हम एक वायर्ड वाले माइक को भी इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। साथ में टाइप सी चार्जिंग का भी पोर्ट हमें मिलता है एंड साथ में दोस्तों हमें वायरलेस माइक भी बॉक्स के अंदर मिलता है। बाकी दोस्तों हम जो ये पैटर्न है ना, लाइट पैटर्न्स, इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। हमें इक्वलाइजर बैंड भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में देखनी होगी तो आप अनबॉक्सिंग वीडियो में देख लीजिएगा। लास्ट में बात करेंगे बैटरी बैकअप की भी। गाइज हमने क्लोज में रख के तो आपको इसकी टेस्टिंग करा दी है। अब जैसा कि हमने कैमरे को बहुत पीछे रख दिया है, सर एक बार जूम इन करिए। तो गाइज आपको पता लग गया होगा कि यार कैमरा हमने काफी दूर रख लिया है। अब एक बार और जूम आउट कर दीजिए सर। गाइज इतनी दूरी में अब आपको थोड़ी टेस्टिंग और करा देते हैं। अगर आप दूर में रख के स्पीकर पर म्यूजिक का मजा उठाना चाहते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, पहले इस चीज को थोड़ा सुन लीजिए। We'll be right back.
तो गाइज हमने देखिए कैमरा को दूर रख के भी आपको टेस्टिंग करा दी है। एक बार सर मुझे भी दिखा दीजिए, यहाँ पे से मैं प्ले कर रहा था म्यूजिक। अब क्या है कि हम स्पीकर के पास चलते हैं एंड पास चलते चलते मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो सर आगे कर लीजिए। तो गाइज जैसा कि अगर हम आउटडोर के हिसाब से देखें ना, तो आउटडोर के हिसाब से परफॉर्मेंस नो डाउट बढ़िया हमें मिल जाता है। अगर आपको पार्टीज करनी है एंड आपको ग्रुप में पार्टीज करनी है, तब के लिए ये स्पीकर मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। दूर में भी हमने जैसे कि कैमरा रख के आपको टेस्टिंग कराई, परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी बढ़िया हमें मिल रहा था। क्योंकि आउटडोर में कहना गाइज हमें लाउडनेस काफ़ी बढ़िया चाहिए एंड ये स्पीकर में लाउडनेस हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। सो आउटडोर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मुझे बढ़िया लगा है, आपको कमी नहीं मिलेगी। हाँ ये है कि यार बेस क्वालिटी एंड क्लियरिटी तो आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी जो हाई एंड ब्रांड्स में हमें देखने को मिलती है, बट ये है कि आउटडोर पार्टीज़ के अकॉर्डिंग ये स्पीकर बढ़िया है। सो दो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पोर्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया हमें मिलती है, साथ में आउटडोर में परफॉर्मेंस भी इसका बढ़िया मिल जाता है। तो देखिए अब हमने कैमरा को कितनी दूर रखा था, अभी भी हम स्पीकर के पास पूरा नहीं पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड को अपनी बढ़ाते हैं एंड जल्दी से स्पीकर के पास पहुँचते हैं। तो गाइज देखिए लुक भी कितना बढ़िया आता है, अगर आप ऐसे जंगल में लेके बैठे हों स्पीकर को तो देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगेगा, साथ में साउंड तो तगड़ा है ही इसका। सो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आउटडोर में बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा, आप आउटडोर के हिसाब से इस स्पीकर को परचेस कर सकते हैं। अब गाइज अपने स्पीकर को इंडोर में लेके चलते हैं एंड इंडोर में भी टेस्टिंग करा देते हैं, क्योंकि बहुत से भाई लोगों को इंडोर में भी बजाना होता है। तो देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलता है। दोस्तों हम ऑडियो टेस्ट भी करेंगे, साथ में बेस भी टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट शेयर करेंगे, बाकी बैटरी के हिसाब से भी बताएंगे कैसा परफॉर्मेंस आता है इसका। गाइज हमने आपको इंडोर में भी इसकी काफ़ी डिटेल में टेस्टिंग करा दी है, मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि यार परफॉर्मेंस कैसा हमें मिल जाता है। अब दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, जितना हमने मतलब इसकी कॉस्ट पे करी है, जैसे कि 9000 का ये स्पीकर है, या 9000 के हिसाब से इंडोर के हिसाब से मुझे उतना बेटर नहीं लगा है, क्योंकि इंडोर में हमें ना क्वालिटी काफ़ी अच्छी चाहिए, स्पेशली दोस्तों क्लियरिटी बेस्ट हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि 9-10 हज़ार का पार्टी स्पीकर है। साथ में दोस्तों बेस क्वालिटी भी हमें काफ़ी डीप मिलनी चाहिए, मतलब कि लोअर फ्रिक्वेंसी हमें बढ़िया मिलनी चाहिए। तो यार वो चीज़ इस पर मिसिंग है, मतलब ये मॉडल ऐसा है ना, लाउड तो काफ़ी ज़्यादा बजता है बट क्लियरिटी वाइज यार उतना बेटर ऑप्शन नहीं है, मतलब क्वालिटी वाला साउंड आपको नहीं मिलने वाला है। अगर हम 1 या 2 हज़ार रुपये और बढ़ाकर FND PA100 को परचेस करें ना, वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है, मतलब उस पर डीप बेस भी हमें मिल जाता है एंड क्वालिटी वाला साउंड पूरा मिलता है, मतलब क्लियरिटी के हिसाब से भी देखें तो वो काफ़ी बेस्ट है। बट इंडोर के हिसाब से दोस्तों बेस्ट ऑप्शन नहीं है मेरा, अगर आप मानेंगे तो इसे मत परचेस करिएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि प्राइसिंग इसकी बहुत ज़्यादा है। हाँ अगर ये 5-6 हज़ार का हो तब आप इसे परचेस कर सकते हैं, बट 9000 के हिसाब से दोस्तों वर्थ इट नहीं है, मत परचेस करिएगा। अब गाइज अगर आप ट्रैवलिंग के हिसाब से भी इस स्पीकर को परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये वहाँ पे भी दोस्तों बेटर ऑप्शन नहीं है। होने को इस पर हमें बैटरी जो है 5400 mAh की मिलती है, बट बैटरी बैकअप उतना कमाल का नहीं मिलता है। अब यार आपने ये स्पीकर ले लिया एंड आप ट्रैकिंग कर रहे हैं या कैंपेन कर रहे हैं,
बट ये क्या है कि जल्दी इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो आपका बड़ा मूड खराब होगा एंड आपको लगेगा कि यार मैंने 9-10 हज़ार रुपये वेस्ट कर दिए। सो ये चीज़ भी मेरे को लगा कि यार आपकी क्लियर करनी चाहिए। बैटरी के अकॉर्डिंग ये मॉडल में क्या है ना दोस्तों, 7 आवर्स तो पूरा चार्जिंग में टाइम लग जाता है। आप सोचिए 7 घंटे एंड उसके बाद जो प्ले ऑन टाइम है ना गाइज वो भी काफ़ी कम हमें मिलता है क्योंकि हमने इसे पूरा टेस्ट कर लिया है। अगर आप इसे लाइट्स ऑन करेंगे एंड इसे फुल वॉल्यूम पर प्ले करेंगे हार्डली ये स्पीकर 2.5 से 3 घंटे ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है। मतलब कि 50% की वॉल्यूम पर ही ये 6 आवर का प्ले ऑन टाइम देगा। अगर आप इस पर मैक्स वॉल्यूम करेंगे तो यार वहाँ पर बैटरी बैकअप बहुत ही कम हो जाता है। सो जो लोग ट्रैवल के हिसाब से इस मॉडल को परचेज करने की सोच रहे उन लोगों के लिए भी बेटर ऑप्शन नहीं है। एंड दोस्तों यार एक ड्रॉबैक और है सर, कैमरे को पास ले आइए। जैसे कि अभी हम इसको आउटडोर में लेके गए थे तो क्या था कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई थी। सो अब इस पर क्या है ना गाइस IP रेटिंग तो नहीं है तो हमें बड़ा डर लग गया यार कि स्पीकर ख़राब ना हो जाए। अब ट्रैवल में या कैंपेन अगर आप कर रहे हैं तो क्या है कि वाटरप्रूफ स्पीकर भी होना जरूरी है। अगर IP रेटिंग वाला स्पीकर होगा तो वो टेंशन नहीं रहता कि यार स्पीकर एकदम से ख़राब हो जाएगा। हाँ ज़्यादा पानी घुस जाएगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा, बट एक भरोसा तो रहता है। इस पर तो IP रेटिंग ही हमें देखने को नहीं मिलती है तो ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में मैंने बता ही दिया है, साथ में टेस्टिंग भी काफ़ी डिटेल में करा दी है। मेरे हिसाब से सब कुछ आपको पता लग गया होगा, फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो दोस्तों इस तरीके की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सारे मॉडल्स खुद परचेस करते हैं, कोई भी स्पॉन्सर नहीं होता है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।